हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है पंकज कुमार और आज से मैं अपने इस चैनल पे अपने ग्रुप डी की जो प्रिपरेशन एक्सपीरियंस जर्नी है वो आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 23 फरवरी से एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुके हैं ग्रुप डी के, और मल्टीपल फेजेस में एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। 10 दिन पहले एग्ज़ाम के जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा वो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा देखने के लिए, और एग्ज़ाम से 4 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाएंगे। करीब 485,607 एप्लीकेशंस जो हैं वो रिजेक्ट किए गए थे, जिनका मॉडिफिकेशन लिंक भी 15 दिसंबर से 26 दिसंबर तक के लिए ओपन कर दिया जाएगा, जहां पे आप जा करके फिर से अपने जो भी आपकी कमी थी एप्लीकेशन में उसे फिलफिल कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे कि आप जानते हो, 2019 में ये वैकेंसी आई थी और सीट तो काफ़ी है वैसे, लेकिन वैकेंसी में इसमें कंपटीशन भी काफ़ी होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था। तो आने वाले वीडियोस में मैं आप सभी के साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी शेयर करूंगा, मैं कौन कौन से बुक्स पढ़ने वाला हूँ। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने 2018 का जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम था वो भी मैंने क्लियर किया था, लेकिन मैं रहता हूँ झारखंड में और हरियाणा में मेरा पढ़ा था जो पेट था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो काफ़ी दूर था और मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वहाँ पे जा नहीं पाया था, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से बुक्स मैं पढ़ने वाला हूँ, मैंने पिछले बार कैसे प्रिपरेशन की थी, इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। कैसे एग्ज़ाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे कुछ मैं आपको बताऊंगा मेरी स्ट्रेटजी। और अगर आपको कुछ, आप सभी के पास अगर कुछ हो शेयर करने के लिए तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल अगर देखें तो यहाँ से आज 12 दिसंबर है, तो अभी भी अप्रॉक्स 2 मंथ्स हैं हमारे पास प्रिपरेशन के लिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो रिटर्न के बाद जो फिजिकल होगा वो भी काफ़ी टफ होता है, करीब 2 मिनट में 100 मीटर दौड़ना होता है 35 kg का वेट लेकर के, और उसके बाद फिर आपको आई थिंक 4 मिनट में 1000 मीटर की डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है, तो ये भी काफ़ी टफ होगा। तो अगर अभी से ही आप उस चीज़ की भी तैयारी कर लो तो काफ़ी अच्छा होगा। स्टार्टिंग में आप रनिंग कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे वेट लेकर के भी, अगर आपके पास वैसी फैसिलिटी है तो आप वेट लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हो दौड़ने की। तो चलिए फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियोज़ में और भी बहुत सारी बातें होंगी और साथ ही साथ प्रिपरेशन भी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।